हेलो स्टूडेंट्स, मैं मीनू सिन्हा चरण अपने पहले लेक्चर जो यूजी सेमेस्टर थर्ड के पेपर सेवेंथ विषय सल्तनतकालीन इतिहास के स्रोत से था। मैंने कुछ तथ्यों को अपने पार्ट वन के लेक्चर में दिया था। उसी लेक्चर का यह दूसरा भाग उसका कंटिन्यूएशन है और मैं आज जिस स्रोत की चर्चा करने जा रही हूँ वह है तबकाते नासरी। मिन्हाजुद्दीन सिराज इस ग्रंथ का लेखक था। उसने मोहम्मद गोरी के तराइन की के युद्ध के विजय में 1260 तक की घटनाओं का वर्णन करता है। इसमें अधिकांश घटनाओं का वह प्रत्यक्षदर्शी था, अतः उसका वर्णन प्रामाणिक है। इस काल का प्रमुख इतिहास का स्रोत इसे कहा जा सकता है। इस्लाम के उदय और प्रसार से लेखक ने अपने ग्रंथ को आरंभ किया, लेकिन उसके ग्रंथ का भारत में तुर्की राज्य से संबंधित भाग ही महत्वपूर्ण है। 1191 से लेकर 1260 तक के काल का सर्वोत्तम इतिहास का स्रोत तबकाते नासरी है। फारसी भाषा में इस ग्रंथ में दास सुल्तानों का वर्णन मिलता है। ग्रंथ 23 तबकात यानी अध्ययन में विभाजित है, 23 अध्याय में विभाजित है। इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें अमीर वर्ग के प्रमुख व्यक्तियों का वर्णन लेखक द्वारा किया गया है। लेखक ने घटनाओं का विश्लेषण करते हुए कारण और परिणामों की भी व्याख्या की है। इसने इल्तुतमिश के शासनकाल और उसके पुत्रों तथा अमीरों का विस्तृत वर्णन किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि अपने जीवन काल में उच्च धार्मिक पदों पर रहने के बावजूद उसके लेखन में धार्मिक संकीर्णता तथा रूढ़िवादिता नहीं है, जैसा कि जियाउद्दीन वर्नी के लेखन में मिलता है। हमारा अगला पॉइंट है अमीर खुसरो के ग्रंथ। यह स्रोत भी बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है, अमीर खुसरो के ग्रंथ। अमीर खुसरो सल्तनत काल का प्रसिद्ध लेखक है। उसकी प्रतिभा बहुमुखी थी। उसने साहित्य, इतिहास, कला से संबंधित अनेक ग्रंथों की रचना की। मूल रूप से अमीर खुसरो उच्च कोटि का साहित्यकार था और उसने मानवीय भावनाओं का मर्म स्पर्शी चित्रण किया है। उसने बलबन के शासनकाल में कवि के रूप में अपना जीवन आरंभ किया। उसके बाद सुल्तानों में कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी और गयासुद्दीन तुगलक के शासन के कालों में भी उसे राजकीय संरक्षण प्राप्त रहा। अमीर खुसरो के ग्रंथ में प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं: मिफ्ताह उल फुतूह, मैं फिर से बोल रही हूँ, मिफ्ताह उल फुतूह जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों का वर्णन करता है। दूसरा उसका उसकी पुस्तक दूसरी किरान उस सादेन, इसमें बुगरा खां और उसके पुत्र सुल्तान कैकुबाद की भेंट का वर्णन है। देवल रानी खिजरी खां जिसे अंशिका भी कहा जाता है। खिजर खां और देवल रानी के प्रेमालाप का वर्णन इसमें मिलता है। खजाइन उल फुतू
ये खुश अमीर खुसरो की का प्रमुख ग्रंथ है। खजाइन उल फुतुह, अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों और मंगोल आक्रमणों का इसमें उल्लेख मिलता है। एजाज ए खुश रवि, एजाज ए खुश रवि अमीर खुसरो के संकलित दस्तावेजों तथा अन्य पत्रों आदि का संकलन है, इसमें मिलता है। इन्हें ध्यान पूर्वक दे आप नोट भी कर सक कीजिएगा, क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा स्रोत है तारीखे फिरोजशाही। जियाउद्दीन बरनी इस ग्रंथ का लेखक है। वह अभिजात वर्ग का आलिम था। सल्तनत काल के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बरनी की तारीखे फिरोजशाही है। अगर धार्मिक संकीर्णता और काफिरों के प्रति उसके रोषपूर्ण उक्तियों का पर ध्यान नहीं दिया जाए तो सल्तनत काल का श्रेष्ठ इतिहासकार बरनी हो सकता है। उसकी उसके विश्लेषण और शक्ति तथा घटनाओं को समझने की अंतर्दृष्टि अद्वितीय है। उसकी स्मरण शक्ति पर भी आश्चर्य होता है। वह अपनी किशोरावस्था से घटित हुई घटनाओं का भी विस्तृत वर्णन करता है। बर्नी ने 1265 में से इतिहास आरंभ किया है। उसने बलबन के काल में फिरोज शाह तुगलक के काल तक का इतिहास लिखा है। उसने 1359 में इस ग्रंथ को पूरा किया। अतः इस रचना में फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के प्रारंभिक 6 वर्षों की घटनाओं का विवरण भी प्राप्त हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकालों के लिए फिरोजशाही अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत है। अगला स्रोत है फतवाए जहांदारी। फतवाए जहांदारी जियाउद्दीन बरनी ने इस ग्रंथ की रचना की है। इसमें बरनी का राजनीतिक चिंतन और मुख्य रूप से यह बताता है कि इस्लामी राज्य कैसा होना चाहिए और सुल्तान के क्या कर्तव्य होना चाहिए। यह ग्रंथ वास्तव में तारीखी फिरोजशाही का दूसरा भाग माना जा सकता है। इसमें बरनी द्वारा अभिजात वर्ग की प्रशंसा की गई है। निम्न वर्गों को प्रशासन के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। यह वह आदर्श इस्लामी राजतंत्र की व्याख्या करता है और विभिन्न वर्गों विभागों अधिकारियों के कार्यों का भी वर्णन करता है। अगला शोर्ट है तारीखे फिरोजशाही। शमस ए सिराज, शमस ए सिराज अफीफ इस ग्रंथ का लेखक है। अफीफ की रचना के प्राप्त अंशों में फिरोज शाह तुगलक के जीवन और प्रशासन का वर्णन है। फिरोज शाह के शासनकाल तथा अन्य लोकहित कार्यों का अफीफ ने विस्तृत रूप से वर्णन किया है। इस काल का मुख्य स्रोत माना जा सकता है। अफीफ कहता है कि उसकी रचना बरनी के ग्रंथ की पूरक है। बरनी की तारीखे फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के प्रारंभिक 6 वर्षों का विवरण मिलता है। अफीफ की रचना में फिरोज शाह के संपूर्ण काल और उसके उत्तराधिकारियों का भी वर्णन मिलता है। यह महत्वपूर्ण है कि अफीफ ने इस ग्रंथ को राज संरक्षण के लिए नहीं लिखा था। जब तैमूर के आक्रमण के कारण तुगलक राज्य नष्ट हो गया, उस समय इस ग्रंथ की रचना अफीफ ने की थी। अतः फिरोज शाह तुगलक के राज्य का वास्तविक चित्र उपस्थित करना उसका उद्देश्य रहा होगा। नेक्स्ट है फुतुह उस सलातीन। फुतुह उस सलातीन ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक ईसामी इस ग्रंथ का लेखक है। मोहम्मद तुगलक तथा बहमनी राज्य की स्थापना आदि के बारे में यह महत्वपूर्ण विवरण देता है। काव्य शैली में 1999 से 1350
तक का इतिहास इससे प्राप्त होता है। इसामी ने बहमनी राज्य के संस्थापक बहमन शाह के दरबार में इसकी रचना की थी। नेक्स्ट साहित्यिक स्रोत है मसालिक उल अबसार, मसालिक उल अबसार, इबू फजलुल्लाह अल उमरी ने इसकी रचना अरबी भाषा में की थी। इसमें मोहम्मद तुगलक के शासनकाल की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों का वर्णन मिलता है। फतुहात ए नेक्स्ट हमारा सॉरी नेक्स्ट हमारा स्रोत होगा फतुहात ए फिरोजशाही, फतुहात ए फिरोजशाही, यह फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। पुस्तक का नाम फतुहात अतः अर्थात विजयों का वर्णन, लेकिन किसी भी विजय का वर्णन इसमें सुल्तान द्वारा नहीं किया गया है। इसमें सुल्तान इस्लाम के प्रसार और गौरव के लिए अपने किए हुए कार्यों की प्रशंसा करता है। अपनी आत्मकथा में यह बताता है कि उसने इस्लाम द्वारा स्वीकृत करों को उसने प्रजा पर लागू किया। वह यह भी बताता है कि उसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया क्योंकि कुफ्र से सबसे बड़े रक्षक वही थे। वह गर्व से कहता है कि उसने इस्लाम के विरोधी कार्यों को रोका, काफिरों के मंदिरों को तुड़वाया, काफिरों के को इस्लाम स्वीकार करने के लिए उसने प्रोत्साहित किया, बड़ी संख्या में हिंदुओं को मुसलमान बनाने में वह सफल रहा। इस प्रकार यह ग्रंथ फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल को जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। नेक्स्ट आता है सीरत ए फिरोज शाही, सीरत ए फिरोज शाही, इसका लेखक अज्ञात है। संभवतः यह फिरोज तुगलक के आदेश पर लिखा गया था। दरबारी ग्रंथ होने के कारण स्वाभाविक है कि इसमें फिरोज शाह तुगलक की प्रशंसा की गई है। नेक्स्ट हमारा है तारीखे मुबारक शाही, तारीखे मुबारक शाही, या हयाल सरहिंदी ने 1434-35 में इस ग्रंथ की रचना की थी। वह सैयद शासक मुबारक शाह का समकालीन था। सैयद शासक का संरक्षण उसे प्राप्त था। ऐसा प्रतीक होता है कि इस ग्रंथ की रचना याहया सरहिंद ने मुबारक शाह की मृत्यु के बाद की थी। उसने मोहम्मद गोरी के शासनकाल में इतिहास का वर्णन किया है। उसकी रचना मुख्य रूप से सैयद शासकों के लिए की गई थी। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक का भी इसमें वर्णन किया गया है। अन्य ग्रंथों के आधार पर यह विवरण दिया गया है। इसमें 1351 और ईस्वी तक ऐतिहासिक विवरण के लिए मिनहाज और बर्नी के ग्रंथों को आधार बनाया गया है। उसने व्यक्तिगत ज्ञान और श्रुतियों को आधार बनाकर इसमें इसके इतिहास का निर्माण किया है। इसके अगला मेरा थर्ड पार्ट में इसको मैं खत्म करूंगी। ये टॉपिक अभी मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। मेरा अगला थर्ड पार्ट होगा इसका।